Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam preparations are also going very well. So friends, आज आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है हाई कोर्ट की तरफ से. पीयून यानी कि चपरासी, जो कि एक ग्रुप डी की भर्ती होती है, उसके रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल्स लेकर आई हूँ आप सभी के लिए. तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती निकल के आई है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के लिए है, बट इसके लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए टोटल पोस्ट है 300. कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, फॉर जनरल इट इज 243, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 243 पोस्ट है. SC ST और बैकवर्ड कास्ट के लिए ना 30 यानी 30 पोस्ट रहेगा. वहीं पर जो एक सर्विस मैन है उनके लिए 15 यानी 15. PH यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए यहाँ पर 12 सीट रखा गया है. पहले ही बता दिया है कि ये ग्रुप डी की भर्ती है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल अप्लाई करेंगे. और हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, एग्जाम सिलेबस देखना चाहते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए. तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि व्हाट इज़ द अप्लाई डेट. तो इसका अप्लाई होना ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 25th of August, यानी कि 25 अगस्त से ये फॉर्म ऑनलाइन होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. लास्ट डेट 20 September, यानी कि 20 सितंबर इसके लिए अंतिम तिथि अंतिम तारीख होगी. बट आपको इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना है. अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो जल्द से जल्द ना फॉर्म अप्लाई कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. देखो फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो जनरल और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, हाँ अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, मतलब जो भी बच्चे हैं सभी ना आपको पंजाब और हरियाणा के लिए जनरल में ही गिनती आएंगे. तो जो पैसा जनरल से लिया जाएगा वही अदर स्टेट वालों से भी लिया जाएगा, 700 यानी कि 700 रुपये. SC ST और बैकवर्ड कास्ट जो हरियाणा स्टेट के SC ST है या फिर बैकवर्ड कास्ट है, उनसे 600 यानी कि उनको 100 एग्जेम्प्ट किया गया है, बस 600 रुपया लिया जाएगा. अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट के बारे में. लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि किस डेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ डेट क्या है जिसके अकॉर्डिंग आपका एज काउंट होगा. तो एज ऑन 20 September 2024, यानी कि 20 सितंबर 2024, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके अनुसार 18 वर्ष से 35 वर्ष मतलब 18 to 35 ईयर्स रहेगा आपका एज लिमिट. रिलैक्सेशन मिलेगा PH यानी जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होंगे उनको 10 ईयर यानी 10 वर्ष का. तो उनके लिए जो एज लिमिट है ना 18 वर्ष से 45 वर्ष है. और जो एक सर्विस मैन होंगे ना उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 18 to 38 ईयर्स एक सर्विस मैन के लिए रहेगा. तो ये था आपका एज लिमिट. अब हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम आपका क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए. देखिए फ्रेंड्स, मिनिमम तो आपका क्वालिफिकेशन मिडिल क्लास है. अगर आपने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली है तो आप एलिजिबल हो. लेकिन अगर आप 12th भी हो या तो 8th पास हो, 9th, 10th, 11th, 12th जो भी आप पास आउट हो, 12th तक ही अप्लाई कर सकते हैं. देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, 12th तक ही अप्लाई कर सकते हैं. नोट में एक चीज यहाँ पर दिया गया है कि जिन भी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन इंटर से ज़्यादा होगा, 10+2 से हायर एजुकेशन है आपका, ग्रेजुएशन कर रखे हो, आपने PG मास्टर्स कर रखे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. चूंकि ये ग्रुप डी की भर्ती है तो जो 8वीं कक्षा पास बच्चे होंगे वो अप्लाई करेंगे. अगर आपका क्वालिफिकेशन 12th क्लास तक है तो ही आप भर सकते हैं, उससे हायर है तो नहीं अप्लाई कर पाओगे. आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर. सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है. सिंपली आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आपका परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद ना फिजिकल होता है. तो फिजिकल आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन भी है, तो जो दिव्यांग जन है उनके लिए बस परीक्षा होगी. अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिटेन एग्जाम, फिर सिंपल सा एक, ज़्यादा कुछ टफ फिजिकल नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा फिजिकल होगा. उसमें क्वालिफाई करोगे तो आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर कर दी जाएगी. तो चलिए फिलहाल हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं अच्छे से.
देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाएगी और 50 क्वेश्चन की परीक्षा रहेगी, 50 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, विच मीन्स कि पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। 50 प्रश्न 100 नंबर के लिए, और समय की अगर बात करी जाए तो 90 मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सो दिस इज द प्लस पॉइंट कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है कि इसको टिक करे या ना करे, तो ऑब्वियसली उसको टिक करके आओ यार, उसका आपको मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा फ्रॉम योर राइट आंसर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली ना एग्जाम सिलेबस में आपको ये बताया गया है कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स, साथ ही साथ मैथमेटिक्स यानी जीके जीएस करेंट अफेयर्स और गणित से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा, तीन तरह का लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी। अब ऐसा नहीं कि तीनों लैंग्वेज आना चाहिए, आप तीनों में से जिस भी लैंग्वेज को जानते हो आप उसमें आंसर कर सकते हो। ट्रांसलेट होगा पेपर, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में होगा और पंजाबी में रहेगा। तो ये बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न है। और हाँ, एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, देखिए यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट होंगे ना और जो अदर स्टेट वाले होंगे, सबके लिए मिनिमम 50%, उनको 50% तो कम से कम स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए। ये आपका मिनिमम बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पर 100 नंबर का है तो आप 50 ले तो आप पास हो गए। आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई होते जा रहा है, बहुत टफ है, तो आपको हाई स्कोर करना है तभी आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे ना, उनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, 45%। फिजिकल के लिए एक्सेप्ट जो पीएच कैंडिडेट है, उनके अलावा जो अदर बच्चे हैं फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो उनका क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए 10 टाइम्स रिजल्ट आपको देगा। टोटल पोस्ट 300 है, उसका 10 टाइम्स यानी कि 3000 बच्चों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। अब हम लोग जानेंगे कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो फिजिकल में क्या सब होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपकी रनिंग होती है 800 मीटर यानी 800 मीटर मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगा। 4.5 मिनट में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को और 4.83 मिनट में फीमेल्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप है 2.95 मीटर फॉर मेल, 1.74 मीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। देन आपका हाई जंप है 1.14 मीटर फॉर मेल कैंडिडेट, 0.90 फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो ये आपका बेसिक एक सिंपल सा फिजिकल है। उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको हाई कोर्ट में जॉब करना होगा। तो जॉब की लोकेशन क्या रहेगी फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा ये चीज़, पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल सेम है और दोनों का जो हाई कोर्ट है ना वो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। तो आपका जो जॉब लोकेशन है ना चंडीगढ़ रहने वाला है। और जो आपका स्टेट है वो तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बट फॉर एग्जाम सेंटर पंजाब एंड हरियाणा में जाके आपको पेपर देना होगा। तो ये तो पेपर से रिलेटेड बात हो गई, जॉब की लोकेशन हो गई। अब जानेंगे कि आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट यू विल गेट एज अ सैलरी। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी आपको फॉर स्टार्टिंग आपको दिया जाता है 16,900 यानी 16,900 से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 53,500 यानी कि आपको 55,000 के करीब हो जाती है। तो ये तो होता है पेपर पे बताने वाली सैलरी। आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार होगी, बाद में आपका 60-70 हज़ार बढ़ते बढ़ते सैलरी हो जाता है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो प्लीज़ इसे मिस ना करें। इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है और इसका नोटिफिकेशन तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। और अगर अब भी कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन है आपके मन में तो कमेंट कर देना, वहाँ पर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दी जाएगी। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।